वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। त्रिशोनीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए बिना किसी देरी के लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे रिक्वायरमेंट होगी प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, डेगी मिर्च, कसूरी मेथी, मलाई या क्रीम, कैप्सिकम, प्याज ऐसे बल्ब्स में निकले हुए, काजू, हल्दी, नमक, बटर और तेल। तो गैस हम लोग ऑन करके एक पैन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को कढ़ाई मसाला बनाना है। तो 2 चम्मच धनिया, सूखा खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 7-8 काली मिर्च, 4-5 लौंग, 2 लाल मिर्च और 3 छोटी इलायची। तो इसको हम लोग लो फ्लेम पे एकदम रोस्ट करेंगे। इसको लो फ्लेम पे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। अब ये हो चुका है, अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसको पीस लेंगे। तो देखिए आप लोग, ये एकदम महीन ग्राइंड हो गया है। ऐसे ही आप लोग को भी ग्राइंड करना है। अब इसको बंद करके रख देंगे ताकि इसकी खुशबू बाहर ना आए। 1/2 kg पनीर लेंगे हम लोग। उसमें हम लोग थोड़ा सा पहले नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको थोड़ा सा डेगी लाल मिर्च डालेंगे। डाल के इसको हल्का सा मैरिनेट कर देंगे। अब हम लोग इसको, कलर इससे बहुत अच्छा आता है इसका, हम लोग अब इसको फ्राई करेंगे। एक पैन रखेंगे गैस पे और इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम लोग एक एक पीस करके इसमें पनीर डालेंगे। ये देखिए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब हम लोग इसको निकालते हैं। बस इससे ज़्यादा आप लोग को ब्राउन नहीं करना है। तो हम लोग गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखते हैं। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है। अब हम लोग शिमला मिर्च को हल्का सा बस सौते करेंगे। बस इसको क्रंची रखना है। बस थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसमें हम लोग अब प्याज डालेंगे। प्याज को भी ट्रांसलूसेंट करेंगे। अब हम लोग इसको निकाल देंगे। बस इतना ही करना है आप लोग को भी। उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब गर्म हो चुका है, उसमें हम लोग 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। उसके बाद मैं 6-7 हरी मिर्च डाल ली हूँ। आप जितना खा सकते हैं, जितना आप लोग को डालना होगा उतना डालिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। 3 बड़े प्याज हैं। आप लोग मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप लोग खाते होंगे। उसके बाद इसमें अदरक डालेंगे। सभी को हम लोग को रफली चॉप करना है क्योंकि हम लोग को इसके बाद पेस्ट बना देना है इसका। अब इसमें 8-10 कली लहसुन डाल देंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है। उसके बाद हम लोग इसमें
काजू डालेंगे, 8-10 पीस काजू का डाल दीजिएगा आप लोग। ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया, अब हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर भी रफली चॉप होगा, 3 बड़े टमाटर हैं। टमाटर को गलने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। इसे टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है नमक से। अब हम लोग इसको ढक देंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। इसको छोड़ दीजिएगा टमाटर के गलने तक। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। टमाटर अच्छी तरह से ये पक गया है। अब हम लोग इसको ठंडा करके इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। ठंडा करके आप लोग पीसिएगा, नहीं तो ये गर्म में मिक्सर का ढक्कन एकदम खुल जाता है। अब ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम लोग इसको एकदम फाइन पेस्ट इसका बना लेंगे। तो चलिए हम लोग फाइन पेस्ट बनाते हैं। गैस ऑन करके मैंने उसी कढ़ाई को रख दिया है फिर से। इसमें हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे, फिर हम लोगों ने जो मसाला तैयार किया है पेस्ट उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद मिक्सर में थोड़ा बहुत लगा होगा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको आप लोग इसमें निकाल करके डाल दीजिएगा, उसको वेस्ट मत करिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। अब हम लोग इसमें जो कढ़ाई मसाला बनाया था 2 टेबलस्पून भर के इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसमें हम लोग 1/2 कप मलाई डाल देंगे। आप लोग क्रीम भी डाल सकते हैं, वैसे घर की मलाई ये बेस्ट है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से इसको 5 मिनट के लिए हम लोग ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो चुका है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप लोग डालिएगा। उसके बाद 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। उसको डालने के बाद अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसमें जो हम लोग ने पनीर को फ्राई करके रखा था फिर उसको ऐड कर देंगे हम लोग। सारे पनीर को इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो हम लोगों ने फ्राई किया था उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। वाओ, बहुत सुंदर कलर आया है। आप इसमें 1/2 ग्लास या 1 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप लोगों ने देखा कितनी टेस्टी सब्जी बन के ये रेडी हो गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।